अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर सीधा निशाना साधा। अमित शाह ने बोला कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारने वालों को पाताल से निकालकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भाजपा की सरकार करेगी। ये दीदी और उनका भतीजा अभिषेक दोनों भाजपा से डरे हुए, हमारे नेताओं के होटल बुक नहीं होने देते, उनको गाड़ी नहीं मिलती है, जो होटल बुक होते हैं ममता के गुंडे खाली करा देते हैं। और मित्रों, मैं बताने वाला हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वालों में से नहीं है। ममता दीदी, जितना संतरास करना हो वो कर लो, आपका और भतीजे का विदाई अब सुनिश्चित है, आपको जाना है, तय कर दिया है। भाई और बहनों, 21 के विधानसभा चुनाव में बनेश्वर रॉय, संदीप घोष, सुशील मंडल, रोबिन पॉल, सुखदेव प्रामाणिक, बलराम मांझी, काकाली क्षेत्रपाल, दुर्गा बाला बाग, भादु दास, शोभ हांसदा, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दीदी के गुंडों ने मार दिया। मैं आज दीदी बताकर जाता हूं, जिन जिन ने भी ये हत्या करी है, हमारी सरकार बनाने के बाद पाताल में से भी उनको ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे कार्यकर्ताओं पर चरस गांजा का केस करते और कोर्ट उनको निर्दोष छोड़ देती। ममता दीदी, शर्म करो, शर्म करो। निर्दोष गरीब कार्यकर्ताओं पर नार्कोटिक्स के केस करती हो, अब आपके दिन भर गए हैं दीदी, आपके। मैं वोटर हूँ, किसान हूँ, बेरोजगार नौजवान हूँ, रुकता नहीं, झुकता नहीं, बिकता नहीं, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। तुम झूठी चाले चल के शहरों के नाम बदल के नोटों को कचरा फेंके और हर निर्धन को चल दे, कहते हो हमको चुन लो, अब तुम भी हमारी सुन लो। सरकार अब ऐसी आए जो सबको दे दे जाए, हो उन्नति हो, हो प्रगति हो, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, प्यार लाए, अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ।